ऐसी कौन सी जैकेट है जो एकदम टाइमलेस, एकदम क्लासिक और हमेशा अच्छी दिखने वाली जैकेट है? यू गेस्ड इट राइट, द डेनिम जैकेट। अब यार डेनिम तो सिर्फ एक मटेरियल है, इसके ना बहुत सारे अलग अलग शेप्स होते हैं जिनको बेसिकली सिलुएट्स कहते हैं। मैं सिर्फ ट्रकर शेप की बात करने वाला हूँ क्योंकि वो डेनिम जैकेट का बेस्ट शेप है। बाकी और टाइप के शेप्स और मटेरियल्स के लिए मैंने पूरी ये सीरीज ही चल रही है, विंटर फैशन सीरीज, तो आप और एपिसोड्स मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सैन कालरा एंड दिस इज एपिसोड 3 ऑफ विंटर फैशन सीरीज। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी डेनिम जैकेट खरीदनी चाहिए, कौन से टाइप की होती हैं और आपको उनको स्टाइल कैसे करना है। और अगर आपने ऑलरेडी कोई डेनिम जैकेट खरीदी हुई है ना, और अगर वो अगली भी है, गंदी सी भी है, तो भी आपको पता चल जाएगा कि उसको आपको स्टाइल कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया डेनिम जैकेट का बेस्ट टाइप होता है ट्रकर वाली शेप वाला डेनिम जैकेट। बाकी जो शेप्स है ना, जैसे बाइकर शेप वगैरह वगैरह, बॉम्बर वगैरह वगैरह, उनके लिए और मटेरियल्स बेटर लगते हैं। जब भी आप डेनिम जैकेट लेते हो तो उसका जो डेनिम मटेरियल है वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल जरूर होना चाहिए, उससे आप अपने ना हिल डुल पाते हो। अगर वो स्ट्रेचेबल नहीं होगा तो आप ज्यादा हाथ नहीं ला पाओगे। अब ये ना अलग अलग कलर्स और वॉशेज में आती है। कलर तो आपको पता है क्या होते हैं, वॉशेज का मतलब होता है कि उस कलर की पूरी जैकेट पे यूनिफॉर्मिटी कैसी है, कि वो कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट ऐसा तो नहीं है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे डार्क वॉश हो गई, जैसे एसिड वॉश हो गई वगैरह वगैरह। अब यार ज्यादा ना एसिड वॉश टाइप की इन सब ज्यादा ट्रेंड्स में मत पड़ो आप, क्योंकि आप ना वो एक दो बार पहनने के बाद पक्का उससे बोर हो जाओगे। और अगर आप कलर वाली ले भी रहे हो ना, तो उसमें ज्यादा ब्राइट कलर्स मत लेना, नहीं तो एकदम छपरी लगोगे। थोड़े से पेस्टल कलर्स ले लो, थोड़े से डस्टी कलर्स लेना। आपकी डेनिम जैकेट पे कोई भी लोगोस या कोई भी पैचेस वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे उससे, और वैसे वो क्लासी भी बिल्कुल नहीं लगता। सिर्फ एक टाइप का ट्रेंड डेनिम जैकेट के ऊपर अच्छा लग सकता है और वो है डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेसिंग मतलब वो फटाफटा वाला स्टाइल जो सालों से चलता आ रहा है। अब ब्लैक डेनिम जैकेट तो क्लासी होती है, तो उस पर डिस्ट्रेसिंग वाली मत लेना। अगर आप डिस्ट्रेसिंग वाली ले रहे हो तो ब्लू में ही लेना, और प्लीज उसको ढंग से स्टाइल करना जैसे मैं अभी आगे बताऊंगा वीडियो में, नहीं तो आप एकदम छपरी लगोगे। मेरा यही एम है कि आप छपरी ना लगो, और ऐसी और वीडियोस देखने जैसे कि आप क्लासी लगो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि डेनिम जैकेट आपको फिट कैसे होनी चाहिए। अब यार डेनिम जैकेट ना बिल्कुल एक कोट का ऑपोजिट मान के चलो, ये लंबी बिल्कुल नहीं होती, ये आपकी हिप्स की स्टार्टिंग पे खत्म हो जानी चाहिए, इसकी लेंथ इतनी ही होनी चाहिए। या आपकी शोल्डर लेंथ पूरी एंड टू एंड कवर करनी चाहिए, और आपकी जो आर्म्स है ना वहां से एकदम स्नग होनी चाहिए, मतलब एकदम प्रॉपर फिट होनी चाहिए ये। लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्ट्रीट स्टाइल वाइब की तरफ ज्यादा जाना चाहते हो, तो आप थोड़ी सी ओवरसाइज्ड ले सकते हो डेनिम जैकेट। इसकी जो आर्म लेंथ है वो आपके एकदम रिस्ट के एंड पे होनी चाहिए। तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप सबसे पहले तो खरीद लो एक ब्लैक डेनिम जैकेट और एक ब्लू डेनिम जैकेट। अगर आप ये दोनों खरीद चुके हो, उसके बाद ही आपको लेनी चाहिए कोई ट्रेंडी डेनिम जैकेट। या तो आप ब्लू डेनिम जैकेट डिस्ट्रेस्ड वाली ले सकते हो जिसपे पूरा फटाफटा है, या फिर आप ले सकते हो कोई और कलर की डेनिम जैकेट जैसे कि पिंक, ब्लू, येलो। लेकिन ब्राइट कलर्स मत लेना, आंखों को चुभेंगे, नहीं तो एकदम सॉफ्ट, एकदम जिनकी सैचुरेशन कम हो, एकदम पेस्टल कलर्स या डस्टी कलर्स ऐसे लेना। चलते हैं मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ अब, जो कि है सारी आउटफिट्स। मैं आपको सिर्फ 5-10 आउटफिट बता के सूखा नहीं छोड़ दूंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि डेनिम जैकेट को कैसे स्टाइल करते हैं, क्या सोचना है दिमाग में, ताकि जो भी आपके पास घर पे कपड़े पड़े आप उनके साथ डेनिम जैकेट स्टाइल कर पाओ। चलो फिर सीधा आउटफिट न हो बकवास। सबसे पहला है बेसिक स्टाइल एकदम, जिसमें सब अच्छे लगेंगे, और ये स्पेशली आपके लिए तब है अगर आप चाहते हो लोग आपको ज्यादा नोटिस ना करें, बट कोई ये भी ना बोले कि आप गंदे लग रहे हो। और सबके पास अपनी वार्डरोब में ये पीसेस होते हैं, तो ये एकदम से किक स्टार्ट कर सकते हो आप अपने स्टाइल को। पहले मैं एक व्हाइट टी शर्ट या स्वेटशर्ट या स्वेटर या हुडी, मतलब कोई भी व्हाइट टॉप, साथ में ब्लैक कलर की जीन्स, कोई भी टाइप के व्हाइट स्नीकर्स, साथ में ब्लैक डेनिम जीन्स और व्हाइट स्नीकर्स कोई भी, और साथ में ब्लू जैकेट। दुनिया की सबसे बेसिक डेनिम जैकेट आउटफिट है, और इसमें कोई बुरा नहीं लग सकता। और सेम आउटफिट आप ब्लैक डेनिम जैकेट के साथ भी पहन सकते हो। ये एकदम इंट्रोवर्ट फ्रेंडली है, और कोई आपको देख के ये नहीं बोलेगा कि आप बुरे लग रहे हो, बट आप एकदम स्टैंड आउट भी नहीं करोगे। नेक्स्ट स्टाइल है मेंस वेयर स्टाइल। ये थोड़ा सा ना मैच्योर तरीका है स्टाइल करने का डेनिम जैकेट को। अगर आप 23 इयर्स या उससे ऊपर हो, या फिर आप वैसे ही ऑफिस जाते हो, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और डेट्स पे तो डेनिम जैकेट मतलब इतनी ज्यादा अच्छी लगती है ना, मतलब वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। पहली आउटफिट में एक व्हाइट कलर का टॉप, तापमान पे डिपेंडेंट की टी शर्ट होगा या स्वेटर होगा, साथ में न्यूट्रल कलर की कोई भी चीनोस, नेवी को छोड़ के, क्योंकि जैकेट ऑलरेडी ब्लू है, तो ग्रे, ब्राउन, टैन, ऑलिव सब चलेंगे, और साथ में व्हाइट लेदर स्नीकर्स। दूसरी आउटफिट में व्हाइट शर्ट, थोड़ी सी मैच्योर वाइब्स ऐड करने के लिए, साथ में कोई भी न्यूट्रल कलर की चीनोस जैसे कि ग्रे, ब्राउन, बेज, और साथ में व्हाइट लेदर स्नीकर्स, लेकिन थोड़े स्लिम वाले हों तो बेटर होगा। और ये ब्लैक जैकेट के साथ बहुत ही शानदार डेट आउटफिट है। ज्यादा सर्दी हो तो आप अंदर व्हाइट शर्ट के ऊपर एक ब्लैक स्वेटर भी पहन सकते हो। नेक्स्ट स्टाइल है मेरा फेवरेट स्ट्रीट स्टाइल, जो कि बेस्ट है पार्टीज के लिए, कॉलेज में पहनने के लिए, दोस्तों के साथ चिल करते हुए पहनने के लिए। एक बहुत क्लासिक आउटफिट डेनिम जैकेट के साथ है कि आप अंदर स्ट्राइप टी शर्ट पहनो, साथ में ब्लैक रिप जीन्स और ब्लैक बूट्स या फिर स्नीकर्स भी पहन सकते हो, और साथ में ब्लू डेनिम जैकेट। एक और बहुत अच्छी आउटफिट होगी अगर आप अंदर स्ट्राइप टी शर्ट की जगह ग्रे कलर की हुडी पहन लो। ब्लैक जैकेट को स्टाइल करने के लिए अंदर कोई भी एक कलर की टी शर्ट या हुडी पहन सकते हो, साथ में ब्लैक रिप्ड जीन्स, और अगर आपके पास हुडी या टी शर्ट के सेम कलर के स्नीकर्स हैं तो आप वो पहन सकते हो, नहीं तो आप साथ में व्हाइट स्नीकर्स पहन लो और हुडी या टी शर्ट के कलर के सॉक्स पहन लो। डिस्ट्रेस्ड डेनिम जैकेट को स्टाइल करने का बेस्ट तरीका है अंदर ऑल ब्लैक पहनो और साथ में ब्लैक बूट्स,
ताकि कॉन्ट्रास्ट अच्छा है। किसी भी कलर डेनिम जैकेट को स्टाइल करने के लिए जिसमें आप छपरी ना लगो, दो तरीके हैं, एक तो ऑल ब्लैक साथ में ब्लैक कैनवस स्नीकर्स के साथ, या फिर एक अंदर वाइट टॉप साथ में लाइट ब्लू डेनिम और वाइट स्नीकर्स। इसके अलावा कोई भी और तरीका आप एकदम छपरी लगोगे। नेक्स्ट स्टाइल पर चलते हैं जो कि है फॉर्मल्स, जो कि है ऑफिस के लिए या फिर फॉर्मल इवेंट्स के लिए या फिर आप वैसे डेट्स भी पहन सकते हो। आपको लग रहा होगा कि डेनिम जैकेट तो बहुत कैजुअल है तो नहीं पहन सकते, बहुत अनप्रोफेशनल लगेगा, बट एक प्लेन ब्लैक डेनिम जैकेट को आप फॉर्मल्स के साथ भी पहन सकते हो। आप पहनो एक वाइट शर्ट साथ में ब्लैक टाई साथ में फॉर्मल पैंट्स और मैचिंग बेल्ट एंड फॉर्मल शूज। अब यहाँ पे डेनिम जैकेट एक ब्लेजर जितनी अच्छी नहीं लगेगी या फिर एक लेदर जैकेट जितनी अच्छी नहीं लगेगी, बट मैं तो आपको ये आउटफिट में सिर्फ डेनिम जैकेट की वर्सेटिलिटी दिखा रहा हूँ कि हर चीज़ का अच्छी लग सकती है। नेक्स्ट स्टाइल है एथलीजर स्टाइल, जो कि आप पहन सकते हो जिम में या फिर जब शॉपिंग वॉपिंग करने जा रहे हो या फिर आप कॉलेज में भी काफी बार पहन सकते हो, बट ज्यादा बार नहीं तो बहुत आलसी लगोगे। ब्लैक जैकेट को स्टाइल करने के लिए अंदर कोई भी कलर की हुडी साथ में जॉगर्स जिनके ऊपर हुडी के कलर की ही डिटेल्स हो, साथ में स्पोर्ट्स शूज सेम कलर जॉगर्स वाले के या फिर सिर्फ ब्लैक ही पहन लो। ब्लू जैकेट को स्टाइल करने के लिए अंदर ग्रे या ब्लैक या व्हाइट कलर की हुडी साथ में ट्रैक पैंट्स ब्लैक कलर की जिसके ऊपर व्हाइट कलर की डिटेल्स हो तो बहुत बढ़िया, और साथ में व्हाइट स्पोर्ट्स शूज। तो ये था एवरीथिंग अबाउट डेनिम जैकेट्स। होपफुली आपको पसंद आया, अगर आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।